गर्मी में यदि कोई चीज हमें सुकून देता है तो वो है फलों का राजा आम। बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग, महिला पुरुष, सभी को रसीले आम बेहद पसंद आते हैं। यदि आप भी आम खाने के शौकीन हैं या फिर ये जानने को उत्सुक हैं कि आम की कितनी वैरायटी होती हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। रायपुर में आयोजित आम महोत्सव में न सिर्फ आपको देशी और विदेशी आम की 300 से अधिक किस्मों की जानकारी मिलेगी, बल्कि आप इन्हें देख भी सकेंगे। मैंगो फेस्टिवल का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। पान पराग, मक्खन, गुलाब जामुन, टॉमी, हाथी झूल, केरल, मुंबई गिरी, इन नामों को सुनकर आपको लगेगा जैसे हम अलग अलग वस्तु या जानवर या फिर स्थान के नाम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी नाम फलों के राजा कहलाने वाले आम की अलग अलग वैरायटी हैं। रायपुर के जोरा स्थित पंजाब केसरी भवन में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की विभिन्न किस्मों के आम समेत अन्य राज्यों, अहमदाबाद, लखनऊ, महाराष्ट्र, हैदराबाद के साथ लगभग 300 वैरायटी के आम हैं। प्रदर्शनी में लोगों की आंखें एक बड़े साइज के आम में जाकर रुक रही है, जो सामान्य आमों से लगभग 5 से 6 गुना बड़ा है। हाथी झूल आम का उत्पादन ज्यादातर बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में होता है। एक आम 5 से 6 किलोग्राम तक का होता है। बताइए, यहाँ पर आम की प्रदर्शनी लगाई गई है और क्या कहेंगे, इतनी वैरायटी आम की आपने देखी यहाँ पर, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? जी, यहाँ पे आम की वैरायटी जो लगी है, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं यहाँ पे आम की। और जो छत्तीसगढ़ में जो बहुत अच्छे आम होते हैं, उसमें कहता है आपका आम्रपाली और दशहरी आम भी जो बाहर का आम है, यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी वैरायटी जो लाई गई है, वो है जापान की मियाजाकी गाँव की तमागो। उस वैरायटी का आम इंटरनेशनल मार्केट में 2,70,000 रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए पर केजी बिकता है। मैंगो फेस्ट में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आम की प्रदर्शनी लगाई गई है। अमेरिका के अधिकांश हिस्से में उत्पादित होने वाले आम की किस्म टॉमी एटिकन्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। टॉमी एटिकन्स आम खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ मधुमेह रोगियों के बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें फाइबर ज्यादा होता है, इसका रंग लाल होता है। इसके अलावा जापान के मियाजाकी आम का भी प्रदर्शन लगाया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। बताया जा रहा है कि जापान के इस आम की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। इसके साथ ही प्रदर्शनी में रेशमी, बारामासी, चौसा, कृष्णभोगा, केशर, चंदा, लंगड़ा, अंबिका, अम्रपाली, केसर, लालबाग, हिमायत, मल्लिका, दशहरी, खस उलखस, याकुर्ती, केरला, संडीला, बेंजीर, बेलुहार, अमनभोग जैसे आमों की प्रदर्शनी देखने को मिल रही है।